बचपन जो मेरा था, मैं कभी एक दिन ऐसा नहीं मुझे याद है जब मैं सनसेट के पहले घर आया। अच्छा। मुझे घसीट घसीट के वापस लाना पड़ता था घर में, क्योंकि मैं खेलकूद में व्यस्त हूँ। स्टडीज़ मुझे बहुत नफरत था स्टडीज से, अब भी है। बिल्कुल, ये मेरे लिए वो करेला और टिंडा और शलगम के जैसे हैं। खाना पड़ता है सेहत के लिए, लेकिन मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। अब भी जब मैं सोचता हूँ स्कूल के बारे में, तो एक दुख जो मुझे अभी भी महसूस होता है वो है स्टडीज़ के बारे में, क्योंकि वो एक मेरे कंधे पे एक बोझ था, जैसे एक पत्थर था, लेकिन करना पड़ा। हर साल के आरंभ में माता पिता के साथ एक निगोशिएशन होता था कि तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए मुझसे। अगर मुझे उतने मार्क्स मिले तो मैं खेल कूद वापस बाकी सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो हम फिक्स करते थे 70, 75, 80 जो भी है जी। और अगर आसपास में नहीं मिलता तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बहुत बड़े मार्जिन से अगर मैं चूकता था तो दे यूज टू ऑल्सो गेट एंग्री। तो उस निगोशिएशन के बाद एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ कि अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो ये मुझे करना ही पड़ेगा, तो ये एक लालच जो है कि मुझे ये करना ही है, मेरे समर हॉलीडेज़ में ये करना ही है, तो मुझे इतना हासिल, इतने मार्क्स हासिल करने हैं। तो उस हिसाब से मैं स्टडी करता था। और अगर मैं बच्चों से बात करता हूँ आजकल, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें स्टडीज़ में अच्छा बनना, आजकल तो सभी पेरेंट्स ऑब्सेस्ड हैं स्टडीज़ स्टडीज़ स्टडीज़, तो मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलना बहुत एसेंशियल है। इसलिए मैं स्पोर्ट्स के लिए, मैंने अभी एक एम्बेसडोरियल रोल अभी मैं प्ले करता हूँ। स्पोर्ट्स से क्या होता है, तीन चीज़ें होते हैं जो मेरे साथ हुआ। एक, आप में जो चुस्ती है, जो स्फूर्ति है, जो अलर्टनेस है, वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको स्टडीज़ में कम समय में ज़्यादा अब्जॉर्प्शन मिलता है। शार्पर डीपर अब्जॉर्प्शन हैपन्स कॉन्सेंट्रेशन वाइज थ्रू स्पोर्ट। दूसरी बात, अगर आप स्पोर्ट्स खेलोगे तो आपको जब नींद आएगी, गहरा नींद जल्दी आ जाएगा, और आपको 8 नहीं 6 घंटे का डीप स्लीप करके आपको रेस्ट पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल। एंड थर्ड, स्पोर्ट्स टीचेस यू टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। और एग्जाम्स का यही एक मतलब है कि प्रेशर। सो इफ़ यू वॉन्ट टू परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, स्पोर्ट टीचेस यू हाउ टू डू दैट। तो ये जो तीन गुण थे स्पोर्ट्स में, मुझे पहले मैं इतना अवेयर नहीं था, लेकिन मेरे स्टडीज़ में बहुत हेल्प किया इसने। सो दैट वॉज माई चाइल्डहुड।